आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी आलेख हीरा लाल स्वर दीपा सिंह लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के बाद खंडवा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई इसमें कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारियों और आयोग के नवीनतम प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी उन्होंने बताया कि खंडवा लोकसभा सीट के लिए अठारह अप्रैल को निर्वाचन अधिक सूचना जारी की जाएगी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पच्चीस अप्रैल निर्धारित की गई है नाम निर्देशन पत्रों की जाँच छब्बीस अप्रैल को की जाएगी अभ्यर्थता वापस लेने की तिथि उनतीस अप्रैल है निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी तेरह मई को होगा और मतगणना आगामी चार जून को सम्पन्न होगी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कुल बीस लाख छियानबे हजार नौ सौ एक मतदाता शामिल हैं जिसमें से मांधाता विधानसभा क्षेत्र में दो लाख सत्रह हजार चार सौ मतदाता शामिल हैं, जबकि खंडवा विधानसभा क्षेत्र में दो लाख बहत्तर हजार दो सौ बीस और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में दो लाख तिरासी हजार सात सौ हजार मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा बागले विधानसभा क्षेत्र में दो लाख पचपन हजार तीन सौ उन्नीस मतदाता नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में दो लाख चौसठ हजार एक सौ इकहत्तर मतदाता बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख बाईस हजार पाँच सौ तिरपन मतदाता बिकनगांव विधानसभा क्षेत्र में दो लाख अड़तालीस हजार आठ सौ बयालीस मतदाता बड़वा विधानसभा क्षेत्र में दो लाख इकतीस हजार नौ सौ एक मतदाता शामिल हैं कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लिए दो, दो मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें बागली में दो मानधाता में दो खंडवा में दो पंधाना में दो सौ नेपानगर में तीन बुरहानपुर में तीन सौ छियालीस 266 सौ बड़वा में दो मतदान केंद्र शामिल हैं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 तो के लिए हुक्मचंद यादव शासकीय नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय खंडवा को मतदान सामग्री वितरण प्राप्ति स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के रूप में चयनित किया गया है लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत खंडवा शहर के नगर निगम चौराहे से मैराथन दौड़ का आयोजन हाल ही में किया गया मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों को अपर कलेक्टर के आर बड़ोले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया मैराथन दौड़ नगर निगम से प्रारंभ हुई जो घंटाघर चौराहा बॉम्बे बाजार केवल राम पेट्रोल पंप दूध वाली गली से होते हुए वापस नगर निगम चौराहे पर आकर संपन्न हुई इस दौरान स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी ने उपस्थित जनों को लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई लोकसभा निर्वाचन दो हेतु शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के प्रथम रेंडमाइजेशन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के ईएमएस 2.0 सॉफ्टवेयर में किया गया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय चरण में सात मई को और खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चतुर्थ चरण में तेरह मई को मतदान होगा इस हेतु तो बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खंडवा जिले के हरसोद विधानसभा क्षेत्र में मतदान सात मई को खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मांधाता खंडवा और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में मतदान तेरह मई को होगा इसके लिए कलेक्टर ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है 9 अप्रैल से शुभ मुहूर्त में घटस्थापना के साथ शक्ति की आराधना का पर्व चात्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है बड़ी ही आस्था और भक्ति के साथ मां गणगौर की पूजन अर्चना के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई गौरतलब है कि प्रसिद्ध मां तुलझा भवानी माता मंदिर खंडवा के धार्मिक और पुरातत्व धरोहर में से एक है निमाड़ इलाके का महत्वपूर्ण माने जाने वाला त्यौहार गणगौर उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है पिछले दिनों पूर्व निर्माण सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा आयोजित भजन संध्या में सूफी गायक उस्मान मीर ने अपने भजनों से श्रोताओं को मंत्र कर दिया प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय 11 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई